Today in this video we will learn all about preposition. Definition, its uses, it types, specifically the use of on. Preposition is divided into two words. Pre means before, position means place. Basically, it comes from a Latin word which means preposition is a short word that is employed in a sentence to show the relationship nouns, pronouns, or phrases have. With each within the respective sentences. क्या कर रहा है रिलेशनशिप शो कर रहा है नाउन्स का प्रोनाउन्स का और फ्रेजे दूसरे जो पूरा सेंटेंस है उसके साथ क्या रिलेशनशिप ठीक है आगे हमारे पास आता है यूजिस ऑफ प्रपोजिशन ठीक है द नंबर वन यूज वी है They are used to show the direction of something. Okay. Number 2 they can refer to the time of something happening. पहले में क्या शो कर रहा है? Direction. Second में हमें क्या बता रहा है? Time. At number three we have, they can be used to denote the position or location of an object in a sentence. पहले वाले में आपने देखा है इसके तीन uses हो गए पहले में हमें क्या बता रहा है direction? दूसरे में हमें क्या बता रहा है time? और तीसरे में अब वो क्या कह रहा है कि ये it is used to denote the position or location of

Where the subject of a sentence, noun or pronoun, or a specific place for action, often telling where one object is in the relation to another. So a spectacle. at number five, we have prepositional phrases in particular can be used to do all of these when used in sentence. अब प्रपोजिशनल फ्रेजेस भी जो हमारे पास हैं वो क्या करते हैं वो भी हमारे पास काम करते हैं किसको प्रपोजिशन को शो करने का प्रपोजिशन कैसे एक सेंटेंस में यूज होती है इसको बताने का ठीक हो गया अब हमारे पास आते हैं टाइप्स ऑफ प्रपोजिशन बेसिकली फाइव टाइप्स हैं जिसमें से हम थ्री को डिस्कस करते हैं Preposition of time, preposition of place, preposition of direction. Basically हम इन तीनों को ही focus करते हैं ज़्यादा. Preposition of ोकेशन एंड फिफ्थ वन इज प्रपोजिशन ऑफ सेप्टियल रिलेशनशिप सेप्टियल रिलेशनशिप का मीनिंग मैंने अब अब वीडियो में एक्सप्लेन किया अब हमारे पास आते हैं यूजेस सबसे पहले हम नाउन का यूज देखते हैं ठीक है प्लेस में इसके फाइव यूजेस हैं नंबर वन सरफेस मतलब किसी भी चीज की सतह पर जब कोई चीज होगी तो हम क्या यूज करेंगे नाउन किसी भी चीज की सतह नंबर टू वी है डेज एंड डेट्स इट कुड बी आइदर एनी डे और एनी डेट नंबर थ्री वी हैव डिवाइसेस और मशीन्स मोबाइल फोन योर टेलीविजन एनीथिंग नंबर फोर बॉडी पार्ट्स नंबर फाइव स्टेट हालत किसी भी चीज की एक्सप्लेन करता है कि बेसिकली किस चीज की क्या स्टेट है नंबर वन हमारे पास आता है सरफेस अब हम सरफेस के एग्जांपल्स देख लेते हैं द बुक इज ऑन द टेबल ऑन क्या है सतह है टेबल की द बैग इज ऑन द डेक्स ही इज ऑन द बस स्टॉप जी वो बस स्टॉप के ऊपर खड़ा है उसकी सतह पे खड़ा है इसीलिए हमने ऑन यूज किया अब हम डेज और डेट्स की एग्जांपल्स देख लेते हैं नंबर वन वी है हमारे पास एक डे है डे के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं ऑन दे विल मीट मी ऑन संडे Sunday is also a day, so we will use on. And number three we have I was born on fifteenth January two thousand twenty two. क्या हमारे पास डेट हमने क्या यूज़ किया ऑन नंबर थ्री है हमारे पास आते हैं डिवाइसिस के एग्जाम्पल ही इज ऑन द फोन वो फोन पर है बात कर रहा है तो हम क्या यूज़ करेंगे ऑन The show will be telecasted on television. Television is a device. We use on. He is solving the sum on the calculator. Calculator is also a device. We use on. We devices the Examples. Our body parts. My mother.

Virat Kohli was on fire last night. Fire? na Either liquid, solid. He was on the bed rest for past two days. On. Bed rest. Mango juice is on demand. On. That's it for today's video.